देखिए देखिए आगे देखिए, वो किसी पत्थर या चट्टान की ओट में होगी, ध्यान से देखिए। पार्वती बनकर परी लेगी भाई सब लोगों से बदला। यहाँ पर हम देख ही रहे ना किस तरीके का नया प्रोमो आया है और लीप आने वाला है अब कुछ सालों का। और यहाँ जो राजीव और रीति है वो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। सर मैंने तो बहुत ढूंढ लिया, कहीं भी पता नहीं चल रहा है। नीति बहुत आराम से रह रही होगी भाई, उसके बच्चा वगैरह भी हो जाएगा, लेकिन अचानक से एक पार्टी में ये दोनों गए होंगे और वहां पर परी की एंट्री होगी, मतलब पार्वती। क्योंकि आपने था, क्यों आपने मेरी परी का मुझसे छीन लिया? लोग आपके दरबार में अपनी जिंदगी को बनाने आते हैं ना। अब राजीव यहाँ पर पूछ भी लेगा कि आप कौन हो, आप परी हो क्या? लेकिन परी पलट के बोलेगी नहीं मैं पार्वती हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज ऐसी हुई जिससे परी जो थी वो पार्वती बन गई, गायत्री आ गई उसकी जिंदगी में? लेकिन आपने तो मेरी जिंदगी को मुझसे छीन लिया माता रानी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया आपने, मेरा सब कुछ छीन लिया आपने। तो इसके लिए तो भी हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो राजीव है वो बहुत परेशान हो रहा है परी के लिए और यहाँ पर वो पानी में भी कूद जाता है। I'm sorry, संजू, परी को मारना मजबूरी थी, उसके जीते जी तुम कभी मेरे पास लौट कर नहीं आते। प्लीज अब रोना बंद करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारी नीति। किसी तरह वो चाहता है कि भाई परी मुझसे बच जाए, और परी तो अभी दिख रही थी ना, लेकिन परी यहाँ पर अचानक से कहाँ चलेगी? पुलिस वालों को बुला लेगा और सारे लोगों को इकट्ठा कर लेगा। यहाँ पर जो ताई जी है ना उनको पता लग जाएगा कि परी जो है वो खाई में गिर गई, अब कैसे बचाएंगे? ताई जी बेहोश भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है और सारे लोग परेशान है। यहाँ पर भाई नीति और गुरविंदर बहुत खुश हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि बस अब भाई किसी भी तरह ना यहाँ पर परी की बॉडी मिल जाए और पोस्टमार्टम वगैरह हो जाए तो भाई हम संतुष्ट हो जाएंगे कि चलो परी हमारी जिंदगी से चलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि परी की तो मौत हुई नहीं है और परी को पर गायत्री बचा लेगी। तो अब देखते हैं भाई किस तरीके से यहाँ पर गायत्री परी को बचाती है और अगर परी वापस दोबारा से आ गई है इन लोगों की जिंदगी में तो क्या भी परी की याददाश्त नहीं गई थी और परी को सब कुछ याद था?